मुजफ्फरनगर के पुरकाजी क्षेत्र के गांव नारवे के ग्रामीणों ने विद्युत समस्याओं को लेकर बिजली घर पर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विकास खंड क्षेत्र के गांव नारवे में ग्रामीणों ने भारतीय किसान यूनियन को जानकारी दी कि नारवे ग्राम में लाइट की बहुत परेशानी है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे महिलाएं बीमारी से जूझ रहे हैं। और मौके पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष संजय त्यागी ने बताया कि आज नारवे गाँव का समाधान नहीं हुआ तो हम बिजली घर को ताला लगा देंगे और यहीं पर धरने पर बैठ जाएंगे। बताया जा रहा है कि बिजली घर में दो बार लाइट की परेशानी को हल कराने के लिए नारवे गांव के ग्रामीण पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया। मौके पर कपिल सिब्बा ब्लॉक सचिव, राजा भैया, बबीता, पुष्पा, रेनु, रानी, महिंद्रा, मीनाक्षी, जोगेंद्र आदि लोग मौजूद रहे, जहां सभी ग्रामीणों ने बिजली घर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बिजली की परेशानी बहुत ज्यादा। अच्छा, हमको रात को डर लगता है, जानवर नील गाय आ जाती है, हिरण आते हैं और शेर भी आ जाते हैं, हमारे बच्चे खा जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। जब दिन में चादर तो रहता, रात को नहीं रहता, तो जब से रह रहे हम, हमारी शादी हुई जब से, हमको ये परेशानी है। हमने किसी ने साथ ले दिया, हमें खरीकड़ी वालों ने साथ दिया, संजय तागी ने जी, संजय तागी जी ने हमको साथ दिया, वो हमारे साथ है। अच्छा, हमारे खरीकड़ी वाले गुजाड़ी वाले वोट तो ले लेते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जब नु कहते ना जी हम हमारी वोट ले लो, तुम दे दो, हम सब कुछ करेंगे, फिर वो कुछ नहीं करते। जब हम बुजाड़ी जाते हैं ना, तुम कहते हैं नहीं, तुमने वोट नहीं दी हमारी, तो जब तक हमको बिजली नहीं देंगे, जब तक हम धरना चलाएंगे, यहाँ से भूखे प्यासे यहीं बैठेंगे, यानी हमको बिजली चाहिए। शिकायत करी कितनी बार, हमने लिख कर दे रखा है, उन्होंने कुछ कुछ नहीं आया, कागज लेकर रख लेते हैं ये और कुछ नहीं करते ये। हाँ जी, हाँ जी कर देते, बस हम हाँ जी कब तक करेंगे, हमारे बच्चे भी, हम सब आ गए। बिजली अब बिल 40,000 50,000 बिजली तो ले लेते हैं पैसे, लेकिन बिजली नहीं देते, बिजली क्यों नहीं देते, वो हमारे 40,000 रुपए ले लेते हैं वो बिल। मामला हमारे गांव है नारवे ग्राम, खाईकेड़ी के रास्ते पड़ता है, तो ये दो तीन बार अपनी आवाज उठा चुके, इनकी बिजली की कोई भी समस्या नहीं हो पा रही। इनका ऐसा मामला जैसा गांव और जंगल अलग अलग करे थे भाई, गांव अलग चला का, जंगल अलग चला का, तो ये जंगल से जुड़े हुए हैं आज भी, और जंगल आता है दिन में वो केवल 10 घंटे। अब रात को बताओ कितनी बड़ी परेशानी हो रही होगी ना बच्चों को, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो गए, मच्छरों ने खा लिए, और जंगल का मामला है, जंगली जानवरों का भी डर बह रहा है वहाँ। अब बताओ ना कितनी, तो हमने पिछला धरना दिया, ये सब आए थे वन से नारवे नगर से, उन्होंने बड़ी समस्या रखी, आईडो साहब ने कहा अखाने इनकी लाइन तैयार करी जा, आज तक कोई लाइन तैयार नहीं हुई, जैसा आज ये आए हमने बुलाए तो इधर उधर बैठे हैं अपना। अब जब यही साहब आए तो हम ये बता रहे हैं भाई, इतना तक लाइन तैयार हुआ, इतना तक ये ना 5 घंटे जंगल वाली मत काट कर रात को कर दो, कोई बात नहीं, किसान हमारे यहाँ अपने, उन्हें समझाओगे हम, ये भी तो हमारे अपने ही हैं, ये कोई गैर थोड़ा ही है, तो 5 घंटे रात की कर दीजिए, 5 दिन की कर दीजिए, इतना तक लाइन तैयार हुआ नहीं। सर, जैसे आपने भी बताया कि अब से पहले भी आपने यहाँ धरना दिया था इसी गांव के लिए ही, क्या इसमें जो है ग्राम प्रधानों का भी कुछ रोल है या नहीं? नहीं, प्रधानों का तो प्रधान तो है यहाँ उस गांव का, प्रधान तो इनकी बात हुई जी, चुनाव के टाइम पर प्रधान भी, जिला पंचायत मेंबर भी, विधायक भी सब जाते हैं इनके साथ पास में, इनके घरों पर सब वादे करो इनसे, फिर जीतने के बाद में आज तक कोई गया भाई वहाँ, कोई नहीं गया। सर, जैसे अगर आपका समाधान नहीं हुआ तो तब आप कब तक रुकेंगे यहाँ? अगर जो समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना करूंगा, तालाबंदी करूंगा यहाँ, अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो धरना करेंगे कि पूरा यहीं पड़ेंगे रात को भी। ओके जी। हमारे आधे आदमी बच्चे परेशान, बीमारी में मर गए, हमारे मेहमान ही परेशान, कोई टिक नहीं सकता। अच्छा, हम जंगल में बहुत दुखी है, जंगल में जानवरों से डर लगे, चांदना रहे हुए तो सब कुछ है, अन्य कुछ भी नहीं है। तो आपके प्रधान हमारे साथ में कोई, हमारे साथ कोई नहीं दे सकता। अच्छा, पर दे रखी टाइम पे जाए, कभी मिले कभी मुकर जाता है। अच्छे।